नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के कैराना में कपड़े सिलने के विवाद को लेकर एक टेलर व उसके भाई ने मिलकर एक युवक की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी टेलर और उसका भाई मौके से फरार हो गया। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तलाश शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, यह वारदात जनपद शामली की कैराना कोतवाली क्षेत्र की है। यहाँ के मोहल्ला छड़ियान निवासी युवक शाहिद उर्फ कालू ने पड़ोस के ही रहने वाले नाज टेलर के ओनर हारून को कपड़े सिलने के लिए दिए थे। कई बार कपड़े सिलाई ना करने पर कपड़ों की सिलाई समय पर ना करने को लेकर बहस हो गई। आज भी जब शाहिद जब कपड़े लेने के लिए हारून की दुकान पर गया तो हारून और उसके भाई इमरान ने कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी टेलर और उसका भाई मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक शाहिद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक शाहिद के भाई शाहवेज ने बताया कि उसके भाई ने हारून को कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे। आज शाम को जिसे पहनकर उसे शादी में जाना था, इसी विवाद को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया है। एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि कपड़े सिलने के विवाद में प्रथम दृष्टया हत्या के कारण सामने आया है, बाकी अन्य बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। कपड़े दे रखे थे सिलने, उसको दो तीन दिन से वो जा रहा, उसके पास वो कपड़े नहीं सी रहा था। वो आज वो दोनों भाई थे वे इकट्ठे, हारून और वो इमरान, एक ने पकड़ा जिसके एक ने कैंची दे दी। अच्छा, कपड़े समय पर टाइम पे नहीं दिए कपड़े सी? कपड़े टाइम पे नहीं दिए, आज शादी में जाना था, मेल में शादी थी जी। तो तहरीर दे दी आपने? जी दे दी। ये मोहल्ला ताजियान ताज खां शहीद की रहा था, मोहल्ला छड़ियान का, जिसमें ये मृतक थे कालू साहिब, पिता का नाम दोनों ये आए थे। उन्होंने कुछ कपड़ा दिया हुआ था, एक ताज टेलर था, कपड़ा लेने आए थे। तो ताज जो टेलर मालिक था इमरान और उसके भाई हारून, इन दोनों लोगों ने मिलकर किसी बात पर विवाद हुआ। उन्होंने जो कैंची होती है उसको उन्होंने सीने पे मार दी, जिससे अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा थाने पे पंजीकृत किया जा रहा है। क्या सर, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हमारी टीमें लगी हैं। चूँकि घटनास्थल का निरीक्षण हम और क्षेत्राधिकारी सिटी भी कर लिए हैं, हम टीमें बना रहे हैं और जल्द ही जितनी जल्दी हो सकेगी हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। हत्या की क्या वजह मानी जा रही है सर? अब प्राथमिक दिशा जो बात आई है, उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था, कपड़े लेने देने में कुछ विवाद हुआ, मात्र छोटा सा विवाद था, लेकिन इस बात से उन्होंने हत्या की। अभी भी जांच का विषय है कि कोई और पुरुष का विवाद है कि नहीं है, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक जो विवाद आ रहा है यही कि कपड़ा मांगे थे और कपड़ा उन्होंने दिया नहीं था, सिलने की बात आई थी, इसी बीच में विवाद हुआ, उसी में हत्या कर दी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।